आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ। सचमुच आप सब से मिलकर आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। प्रायः जब कोई व्यक्ति किसी भी सभा को संबोधित करने जाता है तो औपचारिकतावश अपनी खुशी का इजहार करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं औपचारिकतावश अपनी खुशी का इजहार नहीं कर रहा हूं। जब कभी भी मैं अपने देश के जवानों से, अधिकारियों से इंटरेक्ट करने का मुझे अवसर प्राप्त होता है, सहज रूप से मुझे एक आनंद की अनुभूति होती है। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि अंडमान निकोबार कमान यहां आने में मुझे देर हुई है, मुझे पहले आना चाहिए था। आज लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह जी ने बहुत ही डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हमको दी है, अब तक की आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपका फ्यूचर का प्लान क्या है और आपके चैलेंजेस क्या हैं, इसके संबंध में उन्होंने जानकारी दी है। बहुत सारी समस्याओं से भी उन्होंने अवगत कराया है। मैं भरपूर अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इस कमान को और अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो मैं करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा। लेकिन आज जब मैं आप सबके बीच यहां पर खड़ा हूं तो मुझे महसूस करने में रंचमात्र भी संकोच नहीं है कि आप सभी लोग देश की सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ भी अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में मैंने देखा है, अनुभव किया है, कि आप लोगों के हाथों में हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। और मैं कह सकता हूं आप लोग केवल अपने देश को, अपने देशवासियों को अपने दुश्मनों से ही बचाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि सच्चाई है कि आप देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं। जब तक देश सुरक्षित नहीं होगा तब तक भारत का किसी भी सूरत में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इस सच्चाई को सहज रूप से कोई भी व्यक्ति स्वीकार करेगा। आज हमारा भारत जो तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि मैं किसी का मानता हूं तो हमारे जो है सुरक्षा के जवानों का, सुरक्षा में लगे हमारे अधिकारियों का यह कंट्रीब्यूशन है। देश यदि हमारा सुरक्षित ना होता, आज हमारा देश जिन ऊंचाइयों को हासिल कर चुका है शायद उन ऊंचाइयों को हासिल न कर पाता। सहज रूप में कोई व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करेगा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, पूरी दुनिया हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, न वह लेती थी न सुनती थी। लेकिन आज आप भी सीना ठोंक कर यह कह सकते हैं आज भारत का कद दुनिया में इतना ऊंचा हुआ है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बढ़ी है। इसमें आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमने ऊंचाइयों को हासिल किया है। आप कल्पना करिए 2014 में अर्थव्यवस्था के आकार यानी इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत जो दुनिया के 10 देशों में आता था, 8 वर्षों के अंदर वह करिश्मा हो गया भारत के अंदर कि आज हमारा भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आकर खड़ा हो गया है, दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर हमारा भारत। और मैं नहीं, दुनिया के माने जाने इकोनॉमिस्ट भी इसे स्वीकार करते हैं कि ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं है कि 7 से लेकर 10 वर्षों के अंदर ही हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो जाएगा। और मुझे तो सचमुच यह लगता है कि जिस तरीके से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है कहीं ऐसा ना हो अमृतकाल जो 2047 में समाप्त होगा, आजादी का अमृतकाल, इस आजादी के अमृतकाल के समाप्त होते होते हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर भी इमर्ज कर सकता है।
इसमें आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन। देश यदि सुरक्षित न होता, हमारे देशवासियों के बराबर अपने देश की सुरक्षा की चिंता लगी रहती, तो मैं समझता हूं कि भारत इतनी तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि सचमुच आप लोगों का कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे हमारी सुरक्षा व्यवस्था इस तरीके की है, जैसे कोई भोजन हो, भोजन यदि स्वादिष्ट होता है, ठीक ठाक होता है, लोगों को पता नहीं चलता इसमें नमक है अथवा नहीं, नमक की याद भी नहीं आती है। लेकिन यदि नमक अधिक हो जाए अथवा कम हो जाए तो हमें नमक की याद आती है। हमारी सेनाओं की तत्परता, हमारी सेनाओं की मुस्तैदी के कारण हमारी सुरक्षा व्यवस्था खाने के समान है। और खाना जब अच्छा होता है तब तो हमारा ध्यान नमक पर नहीं जाता है, पर नमक कम हो गया तब हमारा ध्यान उस पर जाता है। आज तक मैं समझता हूं कि कभी देशवासियों को सुरक्षा के ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी। यदि हमारे देशवासियों को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं हुई है तो उसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो आप जैसे जवानों को जाता है, आप जैसे अधिकारियों को ही जाता है और किसी को नहीं जाता है। आपका शौर्य, आपका पराक्रम भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करता है। गलवान में हमारे सेना के जवानों ने इस बार जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, बाहर बोलने के लिए कुछ भी बोल दे कोई, मुझे तो एक एक कदम पर क्या क्या हुआ है उसकी पूरी जानकारी है। बराबर रिपोर्ट मेरे पास आती रहती थी, मैंने प्रत्यक्ष जाकर वहां के जवानों से बात किया है जिन्होंने कि उस संघर्ष में भाग लिया है, इंडो चाइना स्टैंड ऑफ में। मैं कह सकता हूं मेरे बहादुर जवानों के सचमुच हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता। आपका शौर्य पराक्रम इस बार हमको यात्सेंग में भी देखने को मिला है, ईस्टर्न कमांड में। कहने को चाहे कोई जो भी कह दे, लेकिन जब जब वहां पर हमारे सामने चुनौती आई है, हमारे बहादुरों ने अब जिस जज्बे के साथ उसका मुकाबला किया है और कामयाबी हासिल की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। सेना का अनुशासन यह अद्भुत होता है। और मैं तो कहता हूं कि सचमुच आपका अनुशासन ही आपका संस्कार है, आपका अनुशासन ही आपकी संस्कृति है, और देश प्रेम ही आपका धर्म है, और साथ ही साथ देश प्रेम ही आपका कर्म है। इसी सिद्धांत पर चलते हुए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर इस देश की सेवा कर रहे हैं। और जिस स्थान पर हम सब एकत्रित हुए हैं इस अंडमान निकोबार में, मैं मानता हूं कि यह केवल एक यूटी नहीं है, यह एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मैं समझता हूं अपने आप में एक यह कहानी है, एक आख्यान है, अपने आप में यह नैरेटिव है। रामायण काल में इस स्थान को हंडवान नाम से जाना जाता था, महाबली हनुमान इनके नाम पर इसका नाम था। और तब से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार चढ़ावों को पार करते हुए यह भूभाग भारत के भूगोल और संस्कृति का आज तक एक अहम हिस्सा बना हुआ है। और इस आइलैंड की धरती हमारे अनगणित स्वतंत्रता संग्रामियों के खून से रंगी हुई है। और मैं कह सकता हूं अंडमान निकोबार की हवाओं में भी इन बलिदानियों की बलिदान की गाथाएं बराबर तैरती रहती हैं। यहां के लोगों ने भी, स्थानीय लोगों ने भी जिस प्रकार का बलिदान दिया है, वह उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित होंगे। एबरडीन वार हुआ था 1859 में, बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों ने अपना बलिदान दिया था। सभी बहादुरों के त्याग और बलिदान की खुशबू आज भी मैं मानता हूँ कि इस द्वीप में बिखरी हुई है। मैं कभी यह विचार करता हूँ कि कौन सी वह प्रेरणा है जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, चाहे वह स्वतंत्र वीर सावरकर हों, चाहे हमारे अन्य बटकेश्वर दत्त हों, चाहे हमारे एक वो काला पानी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, दीवान सिंह जी, हाँ दीवान सिंह जी कालापानी,
इन लोगों ने जिस तरीके से अपना बलिदान यहाँ दिया है, मैं कभी विचार करता हूँ जिसके पीछे कौन सी ऐसी प्रेरणा है जो उन्हें अपना बलिदान देने के लिए, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए प्रेरित करती है। तो सचमुच मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना हर मनुष्य के हृदय की ये बल बहुत ही बलवती भावना होती है। हर मनुष्य के अंदर यह स्वाभिमान की भावनाएं तीन प्रकार की होती हैं। व्यक्तिगत स्वाभिमान की भावना होती है, अपने परिवार और स्वाभिमान की यह भावना होती है, और साथ ही साथ तीसरी भावना होती है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होती है। व्यक्तिगत स्वाभिमान पर यदि चोट आती है तो व्यक्ति एक दूसरे से लड़ने के लिए, उसको परास्त करने के लिए आतुर हो जाता है। परिवार अथवा समाज के स्वाभिमान पर भी चोट पहुंचती है तब भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ही राष्ट्रीय स्वाभिमान पर यदि आंच आती है तो हमारा पूरा देश अपने सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हो जाता है। यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना हमारे सेना के जवानों को और अधिकारियों को इस देश की सुरक्षा करने के लिए, अपना शौर्य और पराक्रम प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करने का काम करती है। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में यह देखने को मिली थी। शेल्लर जेल में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना बलिदान दिया है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। उसमें चाहे बंगाल के रहे हों, चाहे असम के रहे हों, चाहे महाराष्ट्र के रहे हों, अथवा देश के किसी भी राज्य के रहे हों, यह नहीं देखा कि कौन किस राज्य का है, यह नहीं देखा कि कौन किस जाति का है, यह नहीं देखा कि कौन किस धर्म का है। भारत माता के पैरों में पड़ी हुई दासता की बेड़ियां कटनी चाहिए, यही उनका एक लक्ष्य था। इसलिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुन लिया, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। और इतना ही नहीं, सभी बहादुरों के त्याग और बलिदान की खुशबू आज भी मैं कहता हूं इस द्वीप में हमको देखने को मिलती है। आप सबका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए मैं कह सकता हूं कि कभी यह भुलाया नहीं जा सकता है। अंडमान निकोबार कमांड का जहां तक प्रश्न है, मैं यह मानता हूं कि हमारी सुरक्षा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित रखने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है। आज लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है उससे सचमुच मेरा प्रबोधन हुआ है, मेरा इनलाइटमेंट हुआ है। मुझे यह जानकारी आज यह प्राप्त हुई है कि आगे कौन कौन से चैलेंजेज आने वाले हैं और उन चैलेंजेज को मीट आउट करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए हम सबको क्या क्या करना चाहिए। मुझे याद है कि 2001 में स्थापना से लेकर, इसकी स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक, प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप लोगों ने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, अजय सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और कमांड ने सुरक्षा के साथ साथ, समुद्री सुरक्षा के साथ साथ, अन्य सुरक्षाओं के साथ साथ, मानवीय सहायता में भी, SADR में भी, प्राकृतिक यदि संकट कोई पैदा हो उसमें भी इस प्रकार की आप लोगों ने भूमिका निभाई है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और साथ ही आइलैंड्स की सुरक्षा में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में आप सदैव तत्पर रहते हैं, इसके लिए भी मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबकी मैं प्रशंसा करता हूं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत, मित्रों मैं कह सकता हूं, आत्मनिर्भरता की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। पहले बहुत सारे आर्म्स, एमिनिशंस, यह सब जो विदेशों में तैयार होते थे हम उन्हीं पर आश्रित रहते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प था कब तक हम दुनिया के दूसरे देशों पर आश्रित रहेंगे, कब तक याचक निगाहों से हम उनकी तरफ देखते रहेंगे। तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रभावी तरीके से हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं और मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक उसमें हमको कामयाबी भी हासिल हुई है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है जो कोई भी करना है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, भारत में बनाओ, भारतवासियों के हाथों से बनाओ और सारी दुनिया के लिए बनाओ।
अब आप ये कहेंगे कि विगत 7-8 वर्षों में इस क्षेत्र में आपने क्या कामयाबी हासिल की है। मुझे याद है कि 2014 के पहले जहां हमारा केवल 800-900 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था, वह आज के कुछ महीनों पहले 13,000 करोड़ तक पहुंचा है। आज हम 18,000-19,000 करोड़ को क्रॉस करने जा रहे हैं अपने एक्सपोर्ट को। यह हमारी क्षमता बढ़ी है और लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह की भी मैं यहां पर प्रशंसा करना चाहता हूं। इनर्जेटिक और इनोवेटिव ऑफिसर के रूप में मैं उन्हें देखता हूं और जिस तरीके से इस कमान को मजबूत करने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, उसकी मैं यहां पर घूर-घूर प्रशंसा भी करता हूं। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर। सब्सक्राइब नाउ